दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा, माइक्रोमीटर क्या होता है और माइक्रोमीटर से कैसे नापा जाता है और माइक्रोमीटर से क्या क्या चीज़ें नापी जा सकती हैं और माइक्रोमीटर के कौन कौन से भागों का क्या क्या नाम है और माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट क्या होती है और माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है। तो देखें, हम माइक्रोमीटर से क्या क्या नाप सकते हैं। हम किसी वस्तु की लेंथ, डायमीटर, ब्रेड्थ और थिकनेस मेज़र कर सकते हैं। अब आप देखें कि माइक्रोमीटर क्या है। देखें, ये हमारा माइक्रोमीटर है कि ये हमारा मेन स्केल है और ये मेन स्केल हमारी जिस बॉडी पर बना हुआ है उसे हम स्लीव बॉडी कहते हैं। देखें, ये हमारा स्लीव बॉडी है जिस पर हमारा ये मेन स्केल बना हुआ है। तो आप देखें कि इसका एक खाना, इसका एक डिवीज़न 1 mm का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिवीज़न का मान 1 mm है और इस एक डिवीज़न का आधा इस लाइन से दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आप देखें कि अगर ये एक खाना 1 mm का है और इस खाने का आधा ये लाइन दर्शाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.5 mm है और इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो देखें, हमने कैसे इसकी लीस्ट काउंट, मेन स्केल की लीस्ट काउंट कैसे तो आप देखें, ये मेन स्केल के डिविजन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 mm का डिवीज़न, एक डिवीज़न 1 mm का है और ये 1 mm का डिवीज़न यहाँ पर इस लाइन से आधा दर्शाया गया है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 mm मान दिया गया है। आप देखें कैसे यहाँ से यहाँ तक 1 mm है और इस 1 mm का आधा ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 mm दिया गया है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 mm है। आप देखें, ये हमारी मेन स्केल की लिस्ट काउंट है और देखें, ये बॉडी को हम थिम्बल बोलते हैं और इस थिम्बल पर सर्कुलर स्केल बना हुआ है जिसको हम सब स्केल भी बोलते हैं। तो इस सब स्केल पर 50 डिवीज़न बनाए गए हैं 0 से लेकर 50 तक। और देखें कि 0 से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से 45, 46, 47, 48, 49, 50 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 50 डिवीज़न बनाए गए हैं और 50 डिवीज़न बनाए गए हैं और एक डिवीज़न 0.01 mm का है। इसका एक डिवीज़न 0.01 mm का है। इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं सर्कुलर स्केल की। और आप देखें, इसे हम रैचेट नट बोलते हैं और ये यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के काम आता है। अब आप जानेंगे कि हम इस माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये हमारा सर्कुलर स्केल है जिसमें कि 50 डिविजन्स हैं और इसका इस मेन स्केल का छोटी इकाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 mm है। तो आपने देखा, यहाँ से हमने ये लिखा और यहाँ से हमने ये लिखा, तो ये डिवाइड इसका डिवाइड बाय इससे कर दिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई जब हम 0.5 mm को 50 डिवीज़न से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा 0.01 mm आंसर आता है और इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं माइक्रोमीटर की। इस प्रकार हम माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट निकालते हैं। इसे हम लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं जो कि इस वर्नियर को लॉक कर देता है। अगर हमें ये वैल्यू यहाँ पर लॉक करनी है तो हम इस स्क्रू के थ्रू इसको लॉक कर देते हैं। इस प्रकार हम इसको अनलॉक करते हैं और इस प्रकार हम इसे लॉक कर देते हैं। अब आप देखेंगे एग्जांपल कि हम इस रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं।
तो आप देखें और आप देखें कि ये जी में सर्कुलर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन इस मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड है, इसलिए ये हमारा 32 mm रीडिंग है। इसको हम 32 mm पढ़ते हैं जब ये ज़ीरो वाला इसके साथ कोइंसाइड करता है, और यहाँ पर 30, 31, 32, इसलिए हम इसको 32 पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल कि हम इस रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। आप देखें कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये 30, 31, 32, 33, 34 आप देख सकते हैं यहाँ पर थिम्बल के आगे हल्की सी लाइन यहाँ पर थिम्बल के आगे है, और अगर ये लाइन थिम्बल के आगे है तो इसका मतलब 34 से बड़ी वैल्यू है। और आप देखें ये ज़ीरो वाली लाइन यहाँ पर कोइंसाइड नहीं है, यहाँ पर 5 की लाइन कोइंसाइड है इस मेन लाइन से। तो आप देखें हम इसको 34.05 mm पढ़ते हैं, 34.05 mm पढ़ते हैं। ये हम इस रीडिंग को आप देखें 30, 31, 32, 33 और 34.05 पढ़ते हैं। अब आप तीसरा एग्जांपल देखें, हम इस लाइन इस रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। आप देखें 30, 31, 32, 33, 34, 35 आप देखें ये 35 वाली लाइन इस थिम्बल के आगे है, और आप देखें ये वैल्यू 35 से बड़ी है क्योंकि इस लाइन से ये थिम्बल इस तरफ है, और यहाँ इस तरफ हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है मेन स्केल की। और आप देखें ये लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड है, इसलिए हम इसको 35.25 mm पढ़ते हैं। अब आप देखें कि हम इस रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं, और रीडिंग को देखेंगे कि आप देखें कि यहाँ पर रीडिंग कैसे पढ़ते हैं किसी भी माइक्रोमीटर की। तो आप देखें मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आपने देखा कि ये सर्कुलर लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट ये होता है। अब आप देखें इस रीडिंग को हम कैसे पढ़ते हैं। आप जानते हैं ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब आप देखें कि ये हमारा 36.5 और ये वाली लाइन इस लाइन के साथ मेन स्केल की लाइन के साथ ये 45 वाली सर्कुलर स्केल की लाइन मैच कर रही है, इसलिए हम इस रीडिंग को इस प्रकार पढ़ते हैं। ये देखें मेन स्केल की रीडिंग 36.5। अब आप देखें इसकी लीस्ट काउंट एक खाने का लीस्ट काउंट ये है, और इसके ये इससे हमने 45 से इस लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करवा दिया है, और आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है, और जब हम इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो ये रीडिंग आ गई। इस रीडिंग को हम ये रीडिंग पढ़ते हैं। अब आप प्रैक्टिकली इसका डायमीटर मेज़र करके देखें कि देखें हम कैसे मेज़र करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, और इस प्रकार हम रैटचेट नट को घुमाकर देखते हैं। अब आप देखें कि मैं रैटचेट नट घुमा रहा हूं और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि ये यहां पर फिक्स हो चुका है, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार आप देखें हम किसी भी चीज़ का डायमीटर कैसे मेज़र करते हैं इस माइक्रोमीटर से। आप देख सकते हैं हमने इसका डायमीटर माइक्रोन्स में कैसे मेज़र किया है। इस प्रकार हम सभी का मेज़र करते हैं डायमीटर। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन गिवन बिलो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोज़ फॉर यू।